हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 10 क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड। और हम आईसीएसई बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के आर के वंश राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक है आपका सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले 1 to 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। और चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक के एक एक एक्सरसाइज जो हम सॉल्व कर चुके हैं उन सभी वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं लिंक को और वीडियो आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इलेवन इज व्हाट सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 5% फॉर 3 years। हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है ना, जो कि 5% रेट पर 3 years के लिए दिया गया है। विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट एज ₹900 लेंट आउट एट 4% फॉर 5 years। मतलब क्या है, देखिए यहां शब्द समझिए, विल प्रोड्यूस द सेम इंटरेस्ट, यानी कि सेम इंटरेस्ट होती है इस पर। जो प्रिंसिपल है हम मानेंगे प्रिंसिपल पी है, तो हम इसकी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, कौन से, पी आर टी अपन 100 से। प्रिंसिपल पी हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम है 3 है ना, तो 15 पी अपॉन 100 आ जाएगा। ये ऐसा ही किसके इक्वल है, ये सिंपल इंटरेस्ट उसकी उतनी है जितनी की 900 रुपीज पर 4% पर एनम से 5 years की है। तो इसकी भी ऐसा ही निकालेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे और प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा। तो आप मानना चाहें ले सकते हैं, लेट सम ऑफ मनी बी पी, ओनली सम ले सकते हैं, सम ऑफ मनी इज इक्वल, हमने पी को पी मान ली प्रिंसिपल। तो इस मनी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है हमें 5% दे रखी है, 5% पर एनम, और टाइम दे रखा है 3 years। तो इस पर SI, मैं सो SI 1 नाम दे देता हूं पहले मनी पर। तो SI क्या फॉर्मूला क्या है, पी आर टी अपॉन 100, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो क्या हो गया 5 3 15 पी अपॉन 100 रुपीज SI हो गई, SI 1, जो पहली मनी जो सम ऑफ मनी है पी, उस पर सिंपली इंटरेस्ट हो गई 15 पी अपॉन 100। यह हालांकि कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 3 5 से 20 टाइम्स मैंने कैंसिल नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि आगे दिखा है ये SI, एक दूसरा प्रिंसिपल दिखा है उसके SI की इक्वल है, तो वहां भी अपॉन में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, है ना, इसलिए कोई नीड नहीं है। अब क्या है, एक एन अदर प्रिंसिपल दे रखा है 900 रुपीज, ठीक है, तो एक हमें प्रिंसिपल दे रखा है P1 नाम दे रहा हूं, रुपी 900, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको R1 मान लेता हूं, वो दे रखी है 4%, और ये टाइम दे रखा है 5%, 5 years, सॉरी ये 5 years तक दिया गया। इस पर जो SI होगी, इससे 1 की जगह 2 कर देता हूं, क्योंकि SI 1 है आप बेकार कंफ्यूज हो, तो इस पर जो SI उसको नाम देता हूं SI 2। फॉर्मूला क्या लगेगा, पी आर टी अपॉन 100, यहां पर पी कितना है 900, आर कितना है 4, टी कितना है 5 अपॉन 100। ओके, आप 20 से 20 कैंसिल करना कैंसिल कर सकते हैं, वहां से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है, तो इसको हम ऐसे रख देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या SI1 इज इक्वल होता है SI2। ओके, सिंपल इंटरेस्ट कितनी है फर्स्ट, यानी 15 पी अपॉन 100, पी रुपए पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रही थी हमें, कितने रेट ऑफ परसेंट पर, 8% रेट ऑफ परसेंट पर 3 years पर, वो उतनी है जो 900 पर 4% से मिल रही है 5 years पर, इन दोनों को इक्वल रख दो। ये था 15 पी अपॉन 100 इज इक्वल 900 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100, अपॉन वाली संख्या सेम हो कैंसिल हो जाती, जानते हैं आप, तो पी की वैल्यू क्या होगी 15 से हो जाएगा डिवाइड, तो वैल्यू ऑफ पी विल बी 900 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 15, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, तो प्रिंसिपल यानी कि वो सम ऑफ मनी कितना हो गया 1200, ये आंसर हो गया। नीचे लिख दिए सम ऑफ मनी इज, सम ऑफ मनी किसके इक्वल हो गया 1200 रुपीज के। तो ये क्वेश्चन 11 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एंड क्वेश्चन 12 इज अ सम ऑफ 1780 बिकम्स रुपी 2836 इन 4 years, यानी कि हमें प्रिंसिपल दे रखा है, ये बढ़कर हो जाते हैं, यानी कि क्या है अमाउंट, कितने इयर्स में, 4 years में। फर्स्ट
द रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहला पार्ट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, दूसरा द सम, हमें दूसरा क्वेश्चन गया, हमें एक प्रिंसिपल फाइंड करना है, डेट विल बिकम्स रुपी 810, यानी कि अमाउंट है वो सम जो 810 रुपीज हो जाते हैं कितने में, 7 ईयर्स में एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो फर्स्ट पार्ट पे निकल के आएगी। चलिए करते हैं 12। तो इन क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट के लिए प्रिंसिपल इज गिवन 1780 रुपीज, ओके, एंड द अमाउंट इज गिवन रुपी 2136 एंड द टाइम दे रखा है 4 ईयर्स। क्लियर? तो पहले या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100, उससे भी निकलेगा, मैं इसको दूसरे तरीके से कर ले रहा हूं कि ऐसा ही निकाल ले रहे हैं, पहले ए माइनस बी, अमाउंट है 2136 माइनस 1780, सबट्रैक्ट करें कितना आएगा ऐसा ही, 6 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे 6, बोरो ले लिया तो 13 हो गया, 13 में से 8 गया 5, 20 रह गया, 20 में से 17 सबट्रैक्ट करेंगे 3, 356 आ गई रेट ऑफ, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, पुट कर दो, सिंपल इंटरेस्ट आई है 356 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल, पी है 1780, 1780 इंटू टाइम कितने इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए, ओके 4 से कैंसिल, 4 बन जा, 4 से ये 25 बार पूरा कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करूँ, 5 5 या 25, 5 से कैंसिल जाएगा, 5 3 जा 15, कैरी 2 2 8 28, 5 5 जा 25, 3 कैरी 3 0 30, 5 6 जा, ये पूरा कैंसिल हो गया, 356 जा 356 बन जा 356, 5 बन जा 5, तो पहले का आंसर आ गया 5%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें पी पूछा है द सम डेट विल बिकम्स, अब वो अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है हमें, बिकम 810, यानी कि 810 रुपीज हो गया इन 7 ईयर्स, इसके लिए टाइम हमें दे रखा है 7 ईयर्स, ओके, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अबव यानी कि ऊपर निकल के आइए वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो आर कितनी है इसमें 5%। अब इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100, वैल्यू पुट कर दो, अमाउंट कितना है 810, पी फॉर प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5, टाइम है 7 अपॉन 100, 5 से 100 को मैंने 20 बार कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10 और 0 0, तो कितना हो जाएगा 810 इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 20 आ गया एलसीएम, 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 जा 20, 20 का डिवाइड 21 टाइम्स 17 जा 7, तो 810 इक्वल टू पी इंटू 27 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, पी कितना आएगा 20 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये हो जाएगा 810 इंटू 20, 27 अपॉन में जाएगा अपॉन 27, ओके, देखो 27 त्रिज्या होते हैं, अगर 27 सेवन को टेबल नहीं मालूम तो 9 से कैंसिल कर दो, पहले 9 3 या 27, 9 9 जा 81 0, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 600 आ गया, तो सम कितना हो गया, तो सम इज इक्वल 600 रुपी, तो सेकंड पार्ट का आंसर 600 हो गया, जबकि फर्स्ट पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आई वो हो गई 5%। तो ये क्वेश्चन 12 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 सुनिए, मैं बोलता हूं अ सम अमाउंट टू, कितना लिख देता हूं, एक प्रिंसिपल है वो इतना अमाउंट हो जाता है 2652 इन 6 ईयर, यानी कि टाइम हमें दे रखा है 6 ईयर्स, ओके, एट 5% पर एनम, कितने परसेंट से, 5% पर एनम से हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द सम, यानी कि हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल क्या होता है एस आई, ओ सॉरी यहां फॉर्मूला करेंगे, ए इज इक्वल टू पी, अभी ऊपर जो निकाला है 1 प्लस आर टी अपॉन 100, अमाउंट कितना है भाई 2652, पी हमें फाइंड करना है 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टी 6 है अपॉन 100, 13 हाँ 13 ओके, मैं चेक कर रहा था, 5 बन जा 5, 5 से ये
20 बार कैंसिल, ये 2 से हो गया 2 3 जा और 2 से ये 10, ये 3 है ना, तो क्या होगा देखो 2652 इज इक्वल टू पी, यहाँ एलसीएम क्या आएगा 10, 10 का मल्टीपल 1 में करके 10 आ जाएगा, 10 का डिवाइड 10 1 टाइम्स और 1 इंटू 3 3 होगा, तो ये हो गया 2652 इज इक्वल टू पी इंटू 10 प्लस 3 13 अपॉन 10, तो क्या आएगा 10 का मल्टीपल होगा 13 से डिवाइड, तो पी निकल आएगा, तो मैंने ये लिख लिया 10 का मल्टीपल कर दिया 13 से डिवाइड, तो ये 13 से कैंसिल, 13 बन जाए 13, देखो 13 2 जा 26 ना जाने की जैसे बोलते हैं, 13 4 जा 52, 10 का मल्टीपल करेंगे 204 में 2040, तो सम हमारा आ गया 2040 रुपीज। इसमें अभी एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कह रहा है द टाइम, हमें टाइम बताना है इन विच द सेम सम, यानी कि प्रिंसिपल यही है जो निकल के आया था, पहले प्रिंसिपल लिख लो, दोबारा सुन लो, द टाइम इन विच द सेम सम, यानी कि सम कितना 2040, द सेम सम विल डबल इट्सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है जो फर्स्ट पार्ट में दे रखी थी, यानी कि 5% पर एनम है, डबल हो जाता है, तो ये अमाउंट क्या था इसका डबल 2p है ना, तो 2 इंटू 2020 रुपीज हो जाता है, ऐसे कर लो, तो अमाउंट कितना हो गया, ये अमाउंट हो गया इसका 4080 रुपीज, तो हमें टाइम फाइंड करना है, तो ऐसा ही निकल लो पहले, ऐसा ही क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जे मैंने 2 बनाने की कोशिश क्यों कर दी, 4080 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये आ गया 2040 रुपीज, ऐसा ही निकला। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, एस आई कितनी निकल के आई है भाई 2040 इंटू फॉर्मूले का 100 प्रिंसिपल 2040 इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिविन 5%, ये सेम संख्या कैंसिल होगी 1 टाइम्स और 5 से 120, तो आंसर आ गया आपका 20 इयर्स, यानी कि वही सम कितना 2040 रुपीज 20 इयर्स में 5% पर एनम से डबल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 13 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 14, एंड क्वेश्चन 14 इज पी एंड क्यू दो लोग हैं, इन्वेस्ट 36,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली, यानी कि मतलब क्या है, पी कर रहा है 36,000 और क्यू कर रहा है 25,000 कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर, यानी कि उन दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ओके, यहां तक क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। इफ एट द एंड ऑफ 4 ईयर पी गेट्स 3,080 मोर इंटरेस्ट दैट क्यू, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा सवाल है, क्या है इसमें, पहला सवाल समझ लो, पी ने इतने 36,000 और क्यू ने 25,000 इन्वेस्ट करे, कितने इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए, दोनों की रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, अब पी को जो इंटरेस्ट मिल रही है सिंपल इंटरेस्ट कितनी है, क्यू को जितनी मिली है उससे 3,080 रुपीज मोर मिली है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। चलिए करते हैं, दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो हमें फाइंड करनी है, मान लेते हैं पहले लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आर सी रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, आर परसेंट पर है ना, ओके, फॉर पी, पी के लिए, पी के लिए प्रिंसिपल हमें दे रखा है 36,000 रुपीज, ये कुछ कम लग रहा है, हाँ जीरो कम लग रहा है, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आर मानी ली है और दोनों के लिए टाइम भी सेम है, कितने आफ्टर 4 इयर्स, 4 इयर्स था, 4 इयर्स है, 15 पढ़ लिया हमने, 5 इयर्स, ओके 4 इयर्स, तो इसकी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, इसे मैंने नाम दे दिया एस आई वन, जो पी या एस आई पी भी ले सकता हूं, मैंने वन दे दिया, जो पी को इंटरेस्ट मिली इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने एस आई वन से, क्या होता फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, पी कितना है 36,000, आर कितना है आर ही है, टी कितना है 4 अपॉन 100, 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, हो गया ना, सॉल्व कर ले रहे हैं, 4 का मल्टीपल करा 400, 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 40, इतने आर रुपी सिंपल इंटरेस्ट हो गई, पी को इतनी मिली,
इसी तरह आप क्यू की निकाल लो कि क्यू को कितनी इंटरेस्ट मिली होगी, तो यहां लिख लो फॉर क्यू, क्यू के लिए क्या क्या है। यहां प्रिंसिपल क्यू के लिए कितना था 25,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है 8%, और टाइम भी दोनों को हमने दे रखा है 4 ईयर्स। तो इसकी सिंपल इंटरेस्ट इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं SI2 से, वही PRT अपॉन 100, यानी कि 25,000 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 20 से 20 कैंसिल, 250 में 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,000 रुपीज। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है कंडीशन क्या दे रखी है वो लगा दो, इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी। तो लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ से ध्यान आया अभी कुछ दिन पहले किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट करा, सर ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं होता है ना। तो देखो ये तो आप आजकल तो गूगल का जमाना, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं ATQ का मीन्स क्या। ATQ बहुत सारे मीन्स होते हैं, इसमें एक मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी होता है, उस बच्चे का नाम नहीं बोल रहा है ना। तो ठीक है ना, तो आप ध्यान, ये नहीं कि आपने जो पढ़ा है वही मतलब, इसका बहुत सारे मतलब होते हैं, एक वर्ड्स के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं है ना। तो एवरीसन आप चेक कर सकते थे गूगल पर, चलिए करें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है जो पी की जो इंटरेस्ट है क्या है, दोबारा सुन लीजिए कि पी गेट्स 3080 मोर इंटरेस्ट देन क्यू। तो पी की जो इंटरेस्ट है 3080 रुपीज मोर है, ज्यादा है क्यू से, और क्यू के कितने हैं SI2। बस ये कंडीशन लगा दो रेट निकलाएगी। SI1 कितनी निकल के आई थी दिखाई दे रहा है, ये SI1 है दिखाता हूं मैं, 1440 R। तो यहां लिखो 1440 R इज इक्वल 3080 प्लस SI2 1000 R। 1000 R को दिले तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिख लिया, 1000 को दिले तो माइनस 1000 R। 1440 R में से 1000 सेपरेट करेंगे तो 440 R बचा 3080। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितना होगा, 3080 अपॉन में आ जाता है 4040। इस जीरो से जीरो, 11 से कैंसिल कर दे रहा हूं, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, कैरी 8 8 88, 11 8 जा 4 से 28, 7 टाइम्स कैंसिल, तो R हो गया 7% पर एन। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई जो हमसे पूछी थी। तो ये क्वेश्चन 14 कंप्लीट हुआ। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एंड द क्वेश्चन इज, आपने देखा सब इजी से क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट। आगे आप 8th में पहुंचेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर किसी को इंटरेस्ट है तो उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है RS अग्रवाल NCO CBSE बोर्ड की, और क्लास 8th की ICSE बोर्ड की भी अपलोड हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी इज लेंड फॉर 5 ईयर्स, यानी टाइम दे रखा 5 ईयर्स, एट R% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट लिखा है अच्छी बात है, नहीं लिखा है अगर कहीं कुछ नहीं लिखा तो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, और आपके सिलेबस सिंपल इंटरेस्ट ही है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ोगे 8th में, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में साफ साफ लिखा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। सिंपल इंटरेस्ट वाले को तो ना लिखा हो, जैसे ऊपर सवाल में कभी नहीं आया, लिखा है तो अच्छी बात है, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। पर एनम इफ द इंटरेस्ट अर्न वी 1/4 ऑफ द मनी लेंड, जो इंटरेस्ट है टोटल मनी की 1/4 है, जैसे ऊपर आया था डबल थीक में हमने 2 times कर दिया, यहां सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1/4 किसके, सम ऑफ मनी यानी पी के, वो इंटरेस्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। चलिए करते हैं। यहां हमें क्या गिवन है, एक तो हमें टाइम दे रखा है, तो टी हमें गिवन है 5 ईयर्स, और एक हमें रेट दे रखी है वो आर से ही दे रखी है 8% पर एनम दे रखी है। प्रिंसिपल गिविन नहीं है, सम तो हमने मान लिया, लेट सम इज इक्वल रूपी पी, पी मान लिया हमने, एक्स मानना चाहे एक्स मान लो, 100 मानना चाहे 100 मान लो, कुछ भी मान सकते हो सबसे आंसर आएगा। अब जो हमें दे रखा है ये लिखना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितनी है, दोबारा सुन लो, 1/4 यानी कि 1/4 ऑफ पी इंटू पी, ये इसकी सिंपल इंटरेस्ट हो गई। तो वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू निकालनी है, तो रेट वाला फॉर्मूला लगा दो, सीधा सीधा फॉर्मूला है SI इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, बस कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। SI कितनी है 1/4 P, यानी कि 1/4 इंटू पी इंटू 100 फॉर्मूले का, अपॉन ये पी अपॉन में आएगा, पी की जगह पी रहेगा, और टाइम कितना गिवन है इन दिस क्वेश्चन, टाइम इज गिवन 5 ईयर्स। तो देखो पी से ये पी कैंसिल 1 times, 5 बन जा, और 5 से 100 20 times कैंसिल,
4 बन जा 4, 5 जा कितना बचा फाइनली 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी हो गई 5%। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन 16, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16। एंड द क्वेश्चन 16 इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम इन 5 ईयर इज 30% ऑफ द सम। जैसे वहां पर सिंपल इंटरेस्ट उसकी हाफ दे रखी, हाफ का मतलब क्या था 50%, है ना, यहाँ परसेंटेज में रखी है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, जो भी सम है हम पी मान लेते हैं जैसे ऊपर सॉल्व में था, तो पी का 30% वो उसके एस आई के इक्वल होगी। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मत समझ लेना, नहीं 30% देख के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, ये सिंपल इंटरेस्ट है, यहां दे रखा था सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम इन 5 ईयर इज 30% ऑफ द सम। ये पूरा सेंटेंस वो 30% ऑफ द सम प्रिंसिपल का 30% है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। तो यहां पर केवल एक टाइम क्लियर दे रखा है, जो टाइम है वो है 5 ईयर्स। रेट ऑफ परसेंट हमें आर फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल को मान लेते हैं। लेट द सम इज, सम से मतलब प्रिंसिपल, जो है हमने पी ही मान लिया। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 30% ऑफ सम, यानी कि 30% ऑफ प्रिंसिपल पी। एक्स परसेंट ऑफ वाई क्या होता है, एक्स इंटू वाई अपॉन 100 को फॉर्मूला लगा दो, तो 30% ऑफ पी होगा 30 × p/100। जीरो से जीरो कैंसिल कर दो बस, बाकी ऐसे रहने दो। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गई 3p/10 rupees। बस अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा दो रेट वाला। रेट का फॉर्मूला होता है SI × 100/p/t। SI कितनी है 3p/10 × 100 फॉर्मूले का, तो ये SI × 100 हो गया। अपॉन का यही आएगा, p p की जगह p है, t हमें कितनी ईयर्स दे रखा है 5 ईयर्स, t के प्लेस पर आ जाएगा 5। 10 से 100 10 बार कैंसिल, p से ये p कैंसिल, और 5 से 10 2 बार कैंसिल, 2 × 3 = 6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई 6% per annum। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% per annum। तो ये चैप्टर आपका 10, एक ही एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 10 नाम से, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 10 सिंपल इंटरेस्ट, बहुत इजी था और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।